करीब 3 दशक पहले तरक्की की गाड़ी का जो पहिया घूमना शुरू हुआ, उसने कब तेज रफ्तार पकड़कर देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में जगह बना ली, पता ही नहीं चला। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुआ अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी का संबोधन। मौका था ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की 31वीं AGM का, और ठीक 31 मिनट चले इस संबोधन में रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लेकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तक सबका जिक्र हुआ। FY23 में अदानी ग्रुप कंपनियों ने जबरदस्त रिजल्ट्स पेश किए। कुल आय 85% बढ़ी, तो कुल एबिटा 36% बढ़ा, मुनाफे में भी 82% का उछाल देखा गया, और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की मजबूती को और पुख्ता करता है। अदानी पोर्ट्स 70% एबिटा मार्जिन के साथ दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल पोर्ट्स ऑपरेटर्स में से एक है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखना हो तो सिर्फ आंकड़ों को देखने से काम नहीं चलेगा। इस साल ने दिखाया कि अदानी ग्रुप की रेजिलियंस का कोई तोड़ नहीं। इस साल ने यह भी दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों और बिजनेस सॉलिड, तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चेयरमैन गौतम अदानी ने यह साफ कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट एक डेलिबरेट और मेलिशियस अटेम्प्ट था, जिसका मकसद अदानी ग्रुप की साख को नुकसान पहुंचाना और ग्रुप कंपनियों के शेयरों में गिरावट से मुनाफा कमाना था। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की, उसमें कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं मिला। इस दौरान ग्रुप की कंपनियों में GQG पार्टनर समेत कई ग्लोबल निवेशकों ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए, जो ग्रुप की गवर्नेंस और कैपिटल एलोकेशन प्रैक्टिसेस में इन्वेस्टर्स के भरोसे का सबूत है। गौतम अदानी ने भविष्य में ग्रुप के मैसिव प्रोजेक्ट्स के बारे में भी खुलकर बात की। अदानी ग्रुप गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट खड़ा करने जा रहा है। 72,000 acres में फैले इस प्रोजेक्ट से 20 GW ग्रीन एनर्जी जनरेट हो सकेगी, यानी उस लेवल का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। हाल ही में अदानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई भी शुरू की है। ये मुमकिन हुआ गोडा पावर प्लांट के साथ। ये ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट्स में ग्रुप की सफल एंट्री भी है। उधर मीडिया फील्ड में भी अदानी ग्रुप तेज और मजबूत कदम रख रहा है। NDTV इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग और कवरेज का विस्तार कर रहा है। एक और एम्बिशियस डेटा सेंटर JV है अदानी कॉनेक्ट, जिसकी मीडियम टर्म में 1 GW कैपेसिटी होगी। ये वेंचर गेम चेंजर होगा, क्योंकि कंप्यूटेशन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स होगा। ये सब मिला जुला के दिस बाय फार इज द लार्जेस्ट ऑर्डर बुक इन इंडिया। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर गौतम अदानी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत 25 से 30 trillion की इकोनॉमी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अदानी ग्रुप के चेयरमैन ने सभी स्टेक होल्डर्स का आभार जताया और कहा कि गवर्नेंस और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने पर काम जारी रहेगा। पूरी AGM को अगर एक शब्द के नजरिए से देखना हो तो वो है रेजिलियंस, यानी चुनौतियों के बीच मजबूती से खड़े रहने की क्षमता और इच्छा शक्ति। शायद इसीलिए गौतम अदानी ने अपने संबोधन का अंत इस बात से किया कि 44,000 अदानियंस बड़ा सपना देखते हैं और वो एवरेज ग्रोथ नंबर्स के लिए सेटल होने वाले नहीं हैं।